खाना नहीं है, भूख लगी है। कब से खाना नहीं खाया? कल का नहीं खाया है, पानी पी के सो रहे हैं। क्या खाने को दिल करता है? वही रोटी लगा ले, चावल हो, जो कोई चीज खा ली। पाकिस्तान के आर्थिक हालात हम किसी से छुपे हुए नहीं है। जिन्हा के सपनों का देश आज रिपोर्ट होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 28 जनवरी को 4.6 बिलियन डॉलर से 3.6 बिलियन डॉलर पे आके रुक गया। इतने पैसे में पाकिस्तान जैसा देश सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते के लिए चल सकता है। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को इस संकट से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान गवर्नमेंट के खुद के पाले हुए आतंकवादियों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। मंडे दोपहर टीटीपी के एक सुसाइड बॉम्बर ने पेशावर के पुरेसाई इलाके में एक मस्जिद में सुसाइड बॉम्बिंग का अटैक प्लान किया और उसे अंजाम दिया, जिससे 44 लोगों की जान गई और 160 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस्लाम के नाम पर बने हुए देश में इबादत के समय अपने ही धर्म के लोगों को जान से मार देने की बात हमें इस मामले की गंभीरता को बताती है। पाकिस्तान जो है वो कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जनवरी को सिर्फ उतना ही अमाउंट था जिसमें वो देश अपना 3 हफ्ते के लिए चला सकते थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी के कारण पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के मिनिमम रेट की लिमिट को खत्म कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाजार में पाकिस्तानी रुपए की कीमत 255.43 रुपए यानी कि 1 अमरीकी डॉलर में 255 रुपए आ गया था। फिर 27 जनवरी तक ये 255 रुपए बढ़कर 270 रुपए 50 पैसे पहुंच, यानी कि 1 डॉलर में 270 रुपए के आसपास पाकिस्तानी रुपए। ऐसे में पाकिस्तान के सामने विदेशी कर्जों की किस्त चुकाने के भी पैसे नहीं बचे हैं, और अगर पाकिस्तान अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे पूर्ण रूप से डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने में या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे जिन फैक्टर्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ही पैदा करा है या जिन फैक्टर्स के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है पिछले 10-15 सालों से। पाकिस्तान लंबे समय से खुद के पैदा किए गए आतंकवाद को झेल रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तानी लीडर्स को अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पूर्ण रूप से तबाह कर रखा है। 1 महीने की शांति वार्ता विफल होने के बाद टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। चंद दिनों पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तान के बन्नू पुलिस कैंप पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान का जो कॉरिडोर बन रहा है सीप पे, उसके खिलाफ भी बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में ISIS के भी एक्टिव होने की खबरें बराबर मिल रही हैं। अब दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वजह है वो है कंट्री इज गवर्न्ड बाय आर्मी। पाकिस्तान के बारे में कहावत बहुत मशहूर है, हर देश के पास एक सेना होती है लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। पाकिस्तान शुरू से ही सेना के अधीन रहा है, यहाँ हर मौके पर तख्तापलट हुआ है, यहाँ तक कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के फांसी पर भी लटका दिया जाता है। पाकिस्तान में हर चुनाव के बाद अपोजिट पार्टियों का एक ही आरोप होता है कि आर्मी ने गवर्नमेंट बनाने में मदद करी है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के जितने भी सो कॉल्ड फ्रेंड नेशंस हैं वो सब गवर्नमेंट के बजाय पाकिस्तानी आर्मी से अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते आए हैं। अब इसका तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टी ने अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं करा है, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता गायब है। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों में या कई सालों से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। किसी प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान बम से उड़ा दिया जाता है, किसी प्रधानमंत्री का तख्तापलट सेना के द्वारा किया जाता है, और जो बचते हैं उनको विदेशी ताकतों के द्वारा गद्दी से उतार फेंका जाता है। ऐसे में नई सरकार को देश के लिए एक इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करना और बनाना इसमें बहुत कठिनाई आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी भी नेशन की गवर्नमेंट चेंज होती है तब उस सरकार को उस नेशन को करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ता है। पाकिस्तान की स्थापना जो है वो इस्लाम के नाम पे की गई थी, लेकिन अब इस देश में इस्लाम को मानने वाले लोग अपने ही धर्म के लोगों से असुरक्षित हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद काफी पुराना है, इसे लेकर कई बार बड़े स्तर पर दंगे भी हो चुके हैं। इसके अलावा अहमदिया हजारा जैसे छोटे छोटे जो समुदाय हैं इनको सुन्नी बहुमत देश जो है वो इस्लाम का अंग ही नहीं मानते हैं। इसी कारण से अहमदियों को कुरान रखने पर भी सजा दी जाती है पाकिस्तान में।
और इन्हीं अहमदियों को और इन्हीं हजारों को पाकिस्तान में झूठे मामले लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिस वजह से दंगे होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और फिर एट द एंड मार्केट क्रैश कर जाती है। तो ये कुछ वो रीजन थे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद रेज करे हैं। इन सब के अलावा एक और वजह है जिस वजह से पाकिस्तान जो है आज तबाही के किनारे पे खड़ा है। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान की सरकार देश को चलाने के लिए कर्ज लेती आई है दूसरे देशों से, और उन देशों को कर्ज की ईएमआई या इंस्टॉलमेंट या किस्त चुकाने के लिए अगेन वो किसी देश से कर्ज लेती आई है। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि और देश जो है वो उसे उधार दे नहीं रहे हैं, और जिनसे उन्हें उधार ले रखा है उनको ईएमआई देनी है और उनपे रिजर्व ही नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।